फ्रेंड्स, सो स्टार्टिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी टुडे। यूटिलिटी, नाउ व्हाट डज यूटिलिटी मीन्स? यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन मीन्स द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड। अब इसको हम एक लेमैन लैंग्वेज की टर्म्स में समझेंगे। यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी गुड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम इट। सपोज आई एम कंज्यूमिंग एन आइसक्रीम, तो मेरे को उस आइसक्रीम के कंज्यूम करने से कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है? सपोज मैं बोलती हूँ कि मुझे आइसक्रीम कंज्यूम करने से मुझे 10 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो ये 10 यूनिट्स जो है, दिस इज योर यूटिलिटी। वैसे ही मैं बोलती हूँ कि मैं इफ आई एम कंज्यूमिंग अ 1 कप ऑफ टी, इट गिव्स मी हाउ मच सैटिस्फैक्शन? हो सकता है इट गिव्स मी 5 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये जो मैं मेजर कर रही हूँ, दिस इज माई यूटिलिटी, कि मुझे कोई भी गुड कंज्यूम करूंगी मैं, उससे मुझे कितनी सैटिस्फैक्शन होगी, दैट इज योर यूटिलिटी। यूटिलिटी में यू हैव 2 मेजर्स, द वन इज द कार्डिनल एंड द अदर इज ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी and the other is ordinal utility. Cardinal utility, the concept is given by Alfred Marshall, and this ordinal utility concept is given by Hicks and Allen. First we will see the cardinal utility. It is measurable in numbers, while it is not measurable in numbers. Ordinal utility का concept बाद में करेंगे, we'll start with the cardinal utility. And the measure of utility is कि हम जो इसकी यूनिट है, यूटिलिटी को किस यूनिट में मेजर करते हैं हम। सपोज इफ आई एम सेइंग अ 1 ग्लास ऑफ मिल्क यील्ड्स मी 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी और यू कैन से द सैटिस्फैक्शन। तो ये 10 यूनिट्स है ना, वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, 10 यूनिट्स और वी कैन से यूटिल्स। तो वी हैव 2 कॉन्सेप्ट्स, द टोटल यूटिलिटी फर्स्ट। द टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ total of utility derived from the consumption of all the units of commodity. अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। सपोज आई एम कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, इट इज एनी कमोडिटी, ओके,
फर्स्ट यूनिट जो मैंने फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की तो मुझे उससे 10 यूटल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली या 10 यूनिट चिकन से या 10 यूटल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली मुझे उससे। जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो उससे मुझे 9 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। तो मेरी टोटल जो यूटिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 9, टोटल यूटिलिटी होगी 10 प्लस 9 इक्वल्स टू 19 यूनिट्स मिले मुझे इफ आई कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी से। ठीक है, सिमिलर इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है? मार्जिनल यूटिलिटी सेज कि द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब मुझे एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती। जैसे मेरे पास ये ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें मुझे 1 यूनिट कंज्यूम करने से 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रही है और सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से मुझे 9 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जब 1 यूनिट था तब 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन थी, जब मैंने एक और यूनिट कंज्यूम कर लिया तो उससे मुझे 9 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली। तो मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी विल ओनली बी 9 यूनिट्स। मतलब कि मेरे को अगर मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया उसकी वजह से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिफरेंस बिटवीन देम इज टोटल यूटिलिटी, मतलब कि ये एडिशन कर लेती है, जितने भी यूनिट्स हमने कंज्यूम किया उनसे हमें जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिली है, जितनी भी यूटिलिटी मिली है, सबको एड अप कर लेती है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। देखो, आई विल ड्रॉ शेड्यूल, दिस इज योर शेड्यूल, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, ओके, देन इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया, उससे मुझे 8 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, फिर मैंने 2 यूनिट्स किए, 14, 3, 18, फर्स्ट आई विल मेक इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि ये क्या हो रहा है, 3, 5, 20, 6, 18, ओके, दिस इज योर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब है जैसे जो ये सेकेंड है, सपोज इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली दोनों 100 है। ये जो टोटल यूटिलिटी बता रहे हैं इसका मतलब है कि ये 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से इतनी आ रही है, जब 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो इतनी यूटिलिटी है, जब 4 यूनिट्स कंज्यूम की तो इतनी आई। जबकि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ इज मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। इसका मतलब है कि यहां पर जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी थी तो 18 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, मैंने एक और यूनिट जब कंज्यूम की तो उससे मुझे कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है। इसका मतलब 14 माइनस 8, दिस इज योर 6, ठीक है, फिर मैंने एक और यूनिट कंज्यूम की जब तो मुझे कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दिस इज योर 4, फिर मैंने एक और यूनिट कंज्यूम की तो मुझे उससे उस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है,
That is your 20 minus 18 2. This is similar to the concept of जैसे हमने marginal opportunity cost का किया था. It is same. हर जगह marginal का meaning यही होता है कि one additional unit को consume करने से कितनी additional utility मिल रही है हमें. ठीक है, यहाँ पे देखो 20 minus 20 0 है. देखो यहाँ पे negative हो गई हमारी utility जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो गई. 18 minus 20 इक्वल्स टू -2. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये कैसे हो रहा है. अब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और नेगेटिव कैसे होती है. सपोज लेट इट बी दिस इज योर आइसक्रीम्स. ठीक है, दिस इज योर आइसक्रीम, ये आपकी आइसक्रीम्स की क्वांटिटी है सारी. जब मैंने 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम ली तो उससे मुझे 8 यूनिट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिली. जब मैंने एक और यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम की तो मुझे उससे 6 यूनिट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिली. तो मेरी टोटल जो यूटिलिटी बन गई वो बन गई 14. ठीक है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी जो थी ये 8 + 6 करके आ गई. मैंने इसमें मार्जिनल ऐड की है. वैसे जब मैंने एक और यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम की तो मेरी जब मैंने पहली यूनिट ऑफ आइसक्रीम की तो मेरी बहुत ज्यादा यूटिलिटी होगी. ठीक है, उसके बाद जब मैंने सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम की तो मेरी थोड़ी सी आइसक्रीम के लिए, जब मैं आपको पहली बार आइसक्रीम ऑफर करूँ तो आप बोलोगे कि येस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ईटिंग एन आइसक्रीम, तो आपकी यूटिलिटी बहुत हाई होगी, मतलब आपको उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी. सिमिलरली जब मैं आपको सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम ऑफर करूंगी तो आपकी सेटिस्फेक्शन पहले से थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, फिर जब मैं आपको थर्ड यूनिट ऑफर करूंगी तो आपकी और भी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी. जब मैं आपको फोर्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम ऑफर कर रही हूँ तो देखो आपकी जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब एक और एडिशनल से आप बोलोगे आपकी और कम हो जाएगी. जब मैं आपको फिफ्थ यूनिट दूंगी तो आप बोलोगे नहीं मुझे और आइसक्रीम नहीं खानी है, तो दैट मीन्स आपकी ये जीरो हो गई. और हो सकता है जब मैं आपको सिक्स यूनिट ऑफर करूँ उस आइसक्रीम को खाने की वजह से आप बीमार हो जाओ, तो आपकी यूटिलिटी जो है इट विल गेट नेगेटिव. तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, जैसे एज द यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड आर इंक्रीजिंग, एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज द यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, फिर उसके बाद बिकम्स जीरो. देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी, पहले 6 हुई फिर 4 हुई फिर 2 हुई, देन बिकम्स जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव. अब ये देखो जो आपका टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी आपकी इनिशियली इंक्रीज हो रही है. टोटल यूटिलिटी मीन्स इट इज द सम ऑफ द ऑल यूनिट्स कंज्यूम. ठीक है, जब मैंने पहली यूनिट की तो 8 यूनिट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन मिली, फिर मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम की उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 14, जब मैंने 3 यूनिट्स की तो उससे मुझे मिली 18. सी टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, 8 हुई फिर 14 हुई 18 हुई 20 हुई. जब ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो कॉन्स्टेंट हो गई 20. जैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज हुई, नेगेटिव हो गई, तो मेरी टोटल यूटिलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम इन्हीं को ऐड करके ही तो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पे आती है. ये देखो ये 80 रहेगा यहाँ पे, ये इसमें मैंने प्लस 6 किया तो इट विल गिव यू 14, फिर मैंने इसमें प्लस 4 किया तो इट विल आई विल गेट 18, फिर इसमें मैंने ऐड किया 2 तो आई विल गेट 20, फिर इसमें मैंने 0 ऐड किया तो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. देखो टोटल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे फिर मैंने -2 किया तो इट विल डिक्रीज. तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप जो है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये क्या बोलते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n -1 यूनिट्स.
आई होप इट इज क्लियर टू यू. देन वी विल सी हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन. टोटल यूटिलिटी का ग्राफ हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, बीच में इट रीचेस कॉन्स्टेंट, देन इट डिक्रीजेस. मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा ही डिक्रीज करती है, इट इज ऑलवेज डिक्रीजेस. ठीक है, रीचेस जीरो एंड बिकम्स नेगेटिव. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये देखो. This is your x-axis, so y-axis. This is your utility, this is quantity, this is quantity and this is your utility. Total utility curve will be like this. Okay, ये आपका highest point है. देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीजेस बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड देन इट फॉल्स, इट डिक्रीजेस. ठीक है, अब सेकेंड है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज योर टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. जब वो हमेशा डिक्रीज होती है, उसका कर्व भी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है. अब हमने क्या देखा, ये देखो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना यहाँ पे एच, वो देखो यहाँ पे ये जीरो है. जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो है. ये देखा हमने पीछे, ये शेड्यूल से भी देखेंगे हम. हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब है, ये है ना, दीज टू केसेस वेयर आर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई. मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है यहाँ पे, जीरो. टोटल यूटिलिटी डिक्रीज तभी होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव है. तो ये कर्व भी हमें यही शो कर रहा है कि जब व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेज एट मैक्सिमम, the marginal utility is zero and when total utility decreases the marginal utility becomes negative. So this is an important point to remember when your total utility is maximum the marginal utility is zero. When total utility decreases, the marginal utility is negative. And when total utility is increasing, जब ये increase हो रही है, is increasing, the marginal utility is decreasing. It is positive, but it is decreasing. Okay, these are the important points to remember. So now we will see the law of diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility का concept हम already पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया. दिस इज योर एग्जाम्पल. जैसे मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की तो उससे मुझे 6 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली, एक और यूनिट कंज्यूम की तो उससे 4 मिली, एक और की तो उससे 2 मिली मार्जिनल यूटिलिटी. फिर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ अपनी यूनिट्स, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जा रही है. बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इट टेंड्स टू डिक्लाइन as the consumption
ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, मतलब विद एवरी इंक्रीज ऑफ द कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन. दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज वेरी सिंपल एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है पीछे, क्यों हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्लाइन होती जाती है. ऑब्वियसली जब मैं 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम कर रही हूँ, 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, तो इट विल गिव यू 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. दिस इज अ मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, वैसे मैंने जब 2nd यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम की, तो आप बोलोगे कि नहीं आई हैव कंज्यूम 1 यूनिट, तो 2nd की आपकी थोड़ी सी लेस हो जाएगी 10 से, लेट इट बी ये 6 हो जाएगी. फिर मैं जब आपको 3rd यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करने को बोलूंगी, तो आप थोड़ा इरिटेट हो गए, आप बोलोगे आई एम ऑलरेडी सटाइड, आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इट विल गिव यू वेरी, हो सकता है आपको 2 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दे. जब मैं आपको 4th यूनिट दूंगी, तो आप मुझे मना कर दोगे, आप बोलोगे नो आई डोंट वांट टू कंज्यूम, दैट्स एनफ फॉर द डे. और जब मैं आपको 5th यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो, तो हो सकता है आप उसे बीमार हो जाओ, आपकी माइनस में चले जाए यूटिलिटी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, की मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, हमेशा डिक्रीज करती है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इसका ग्राफ कैसे बनेगा. नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द अजम्पशंस. अजम्पशंस आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. इस लॉ की क्या अजम्पशंस होती हैं. द फर्स्ट अजम्पशन इज द यूटिलिटी इज Cardinally measurable. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो यूटिलिटी है इट इज मेजरेबल. द यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, मतलब हम यूटिलिटी को यूनिट्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 1 कमोडिटी ऑफ टी से मुझे 10 यूनिट्स मिल रही हैं, 2 कप ऑफ टी से मुझे 20 यूनिट्स मिले रिलेटेड भी, और 18 यूनिट्स मिले रिलेटेड भी. तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी है इट इज मेजर, हम उसको मेजर कर सकते हैं यूनिट के टर्म्स में. ये हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है, द सेकेंड अजम्पशन इज Assumptions are important to remember. Sometimes they ask you from the assumptions only. Second is the marginal utility of money remains constant throughout. मतलब आपकी marginal utility of money जो है वो हमेशा constant रहेगी इस law में. Third आपका हो गया hypothesis of independent utility. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि your total utility will be the sum of separate utilities. जैसे मैंने आपको पहले भी example दिया, अगर 1 cup of tea से मुझे 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 2 कप से मुझे 8 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 3 कप से मुझे 6 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी होगी 10 + 8 + 6, तो दैट विल बी योर 18 + 6 = 24. तो मतलब ये कहता है कि टोटल यूटिलिटी इज एडिटिव इन नेचर. टोटल यूटिलिटी हम हमेशा एड करके निकाल सकते हैं कि कितनी है. द फोर्थ इज योर इट अज्यूम्स कॉन्स्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए, दे विल रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर हम इस अजम्पशन को चेंज कर लेंगे तो योर यूटिलिटी विल नेवर डिमिनिश. हो सकता है कि इट विल इंक्रीज और इट विल चेंज द लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो, सॉरी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी.
ठीक है, द नेक्स्ट इज योर इट ओनली अज्यूम्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मतलब अगर मैं ये लॉ पढ़ रही हूँ जैसे 1 cup tea 2 cup 3 tea, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरे कप्स का साइज है, जो मेरे टी कप्स का साइज है, दैट इज इक्वल। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहला कप लिया वो बड़ा था, सेकंड वाला कप जो था वो छोटा था, थर्ड वाला कप जो था वो बहुत ही स्मॉल था, या फिर ऐसा कि मैंने एक एक 1 cup of tea लिया है, ठीक है, फिर दूसरा मैंने 1 spoon of tea लिया है। अगर ऐसे देखूंगी तो मेरी मार्जिन यूटिलिटी कभी डिक्लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इट ऑलवेज अज्यूम्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट। सिक्स्थ इज योर इट अज्यूम्स दैट द यूनिट इज कंज्यूम्ड इन अ कंसेक्यूटिव वे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी 1 cup of tea ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 1 cup of tea ऑफर कर रही हूँ और फिर मैं कल 1 cup of tea ऑफर करूंगी, फिर तो नेचुरल सी बात है, अगर 1 cup of tea आज आपको 10 units दे रहा है तो मैं जब कल भी ऑफर करूंगी हो सकता है वो 10 से ज्यादा दे रहे, हो सकता है आपको कल वो 12 units ऑफ सेटिस्फेक्शन दे दे। तो मुझे इसको कंटिन्यूस करना, मतलब मैंने अभी 1 cup दिया, फिर इसके इमीडिएट बाद में आपको 2nd cup दूंगी, इमीडिएट बाद में आपको 3rd cup दूंगी, तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और सिमिलरली यही इसके ड्रॉबैक्स भी बनते हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक कि इट अज्यूम्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। एक ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज कि हम हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। दूसरा, दिस अजम्पशन इज ऑल्सो वेरी वेक कि हमें हमेशा कॉन्टिन्यूस वे में चीजों को कंज्यूम करना है। तो ये हमने देखा कि जैसे हमारी वन ऑफ द ड्रॉबैक इसकी, इसमें हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन लेना है हमें, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को अज्यूम करना है कॉन्स्टेंट है, बट ये हमेशा कॉन्स्टेंट तो होती नहीं है, इट चेंजेस विद द टाइम, ठीक है। वैसे ही हम द प्रोडक्ट्स आर नॉट ऑलवेज होमोजीनियस। फिर ये जो एलिमेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कि दे आर ऑलवेज टेकन इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, ऐसा नहीं होता है हमारी रियल लाइफ में, ठीक है। ये जो अज्यूम करते देर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन, देर शुड बी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। एंड वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक जो इसका है, दैट इज योर द प्रेस्टीजियस गुड्स। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फेल हो जाता है। क्यों? सपोज प्रेस्टीजियस गुड्स में मैंने पढ़ा था डायमंड्स का, मैंने पढ़ा था आपको डायमंड्स का केस एग्जांपल लो। अब डायमंड्स आप जितने मर्जी कंज्यूम करो, 1 unit कंज्यूम करो, 2 units कंज्यूम करो, 3 units कंज्यूम करो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। जितने मर्जी डायमंड्स आपको दे दो कि आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं, आप बोलोगे नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, जबकि हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज द डिमिनिशिंग। तो यहाँ पे प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में ये फेल हो जाता है। एंड वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इज ऑल्सो कि ओनली दिस मार्शल हैज अज्यूम्ड या कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हैज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी इस का कॉन्सेप्ट इसको डिस्कार्ड कर देता है। वो कहता है कि वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, वो इट गिव्स यू अ सेपरेट मेथड की यूटिलिटी कैसे मेजर होती है। तो वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, द अजम्पशंस एंड द ड्रॉबैक्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यू हैव सीन ऑलरेडी। Now we'll, in the next lecture, we'll move towards the consumer surplus.